गर्मी आने लगी है और अब कुछ ठंडा खाने की इच्छा होती है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम केक, वो भी एगलेस। बहुत ही आसान है और दो तरीके से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं आइसक्रीम। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने व्हीप क्रीम लिया है, आपके चॉइस का कौन सा भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे व्हीप क्रीम आते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, फ्रेश क्रीम मत लीजिएगा। अब उसको मैंने फ्रिज में 3-4 घंटे रखा, उसके बाद अब इसे अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहे तो एक बीटर जो होता है उससे भी फेंट सकते हैं या मशीन से भी फेंट सकते हैं। इसे आधे मिनट हाई स्पीड पे करना है। फिर मैंने इसे बर्फ़ के पानी में रख दिया है, उसके ऊपर इसको फेंटा है। यहाँ पे एक कटोरी ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, जिसे मिल्क मेड भी कहते हैं, मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वैनिला एसेंस, आपकी चॉइस का आप एसेंस यूज़ कर सकते हैं। अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी चॉप करके डाल दी है, मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम, जो मैंने घर पे ही बनाया था, बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है, ये ऑप्शनल है। 5 मिनट में बन गई आइसक्रीम, कितना आसान है। कोई आइसक्रीम पाउडर और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी रेगुलर आइसक्रीम बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टील का डोम शेप का बर्तन लिया है, आप कांच का बाउल भी ले सकते हैं। अब इसमें क्लीन फॉइल यूज़ कर रही हूँ, आप सिल्वर फॉइल लगा सकते हैं। अब इस पे आइसक्रीम बैटर डाल देंगे। इस फॉइल ये इजी रहेगा आपको निकालने में, अदरवाइज ये बर्तन पे लग जाएगा या किसी बॉक्स में भी लग जाएगा, तो उसको आप जब निकालेंगे केक पे डालने के लिए तो प्रॉब्लम देगा, ये बहुत इजीली निकल जाएगा। अब इसे फ्रीजर में रख देते हैं, आप इसे पूरी रात रखिए या फिर 12 घंटे या फिर आपके फ्रिज के हिसाब से आप केक बनाते हैं। इसके लिए मैंने केक मोड़ लिया, उसके ऊपर बटर लगा के बटर पेपर रख दिया, आप बटर पेपर नहीं हो तो मैदा लगा सकते हैं। अब केक के लिए यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, इन सबको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके छान लेंगे। ये सब मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने एक मिक्सी जार में 1 कप शक्कर ली है, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/2 कप दूध लिया है, 1 पिंच नमक और 1 बड़ा चम्मच विनीगर डाला है और वैनिला एसेंस, एसेंस आपके चॉइस का। मिक्सी में घुमा लेंगे, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया, इसी से स्पंज जैसा केक बनेगा। अब इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे केक मिक्सचर, धीरे धीरे करके डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप सारा डाल देंगे, इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स करेंगे इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट लग रहा है, इसमें ऐड कर देंगे दूध, मैंने 2 बड़े चम्मच दूध ऐड किया। धीरे धीरे करके आप ऐड करते जाएगा, आपके क्वांटिटी के हिसाब से कितना लगता है, बस इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरीके से केक बैटर रेडी हो गया, अब इसको केक मोल्ड में डाल दूंगी। अब मैं इसे कढ़ाई में बनाना बता रही हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई पहले से गर्म करके रखी थी, एक रिंग या आप कुछ भी स्टैंड रख सकते हैं। कुछ लोग कढ़ाई पर ही नमक डाल देते हैं, पर मैं बिना नमक के भी बता रही हूँ। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं उसकी सीटी निकाल के। इसको पहले 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे करना है, फिर लो फ्लेम करके इसे 35 मिनट तक करना है, तो आपको टोटल 45 मिनट तक इसको पकाना है, और हो भी सकता है इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप इसे चेक कर लीजिएगा नाइफ या स्टिक से डाल के, अगर उस पर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब रेडी हो गया है। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे 2 पार्ट में कट करेंगे, बीच में से सेंटर से मैं इसको कट कर रही हूँ, धीरे धीरे कट कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से 2 पार्ट हो जाएंगे। अब जो एक पार्ट को एक बड़े कांच के बाउल में राउंड शेप के कोई भी बर्तन में आप इसको रख लीजिए, दूसरे पार्ट को 6 या 7 पीस में आप पिज़्ज़ा स्टाइल में इसको कट कर सकते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है, देखिए कितना स्पंजी दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया, आप रेगुलर चॉकलेट ले सकते हैं, इसे डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में 30 सेकंड में मेल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आइसक्रीम निकाल ली है, अब इतना ईजी है, देखिए इस तरीके से ईजिली सेम शेप में निकल आएगी फॉइल पेपर लगाएंगे तो। जो पीसेस कट किए थे वो साइड में इस तरीके से लगा देंगे, और जो चॉकलेट मेल्ट की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। एकदम नए तरह की आइसक्रीम केक है, बहुत ही आसान है। और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, एनिवर्सरीज है, बर्थडेज आते हैं, तो इन सब पे आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ मैं खाने वाला गोल्डन कलर डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसको किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरीज लगा दिए, तो लीजिए रेडी हो गया। अब इसे आप फ्रीजर में वापस रख दीजिए, जब खाना है तब आप इसको निकाल के खाइए। अब मैं दूसरा मेथड बताती हूँ, इसे मैंने माइक्रोवेव में बनाया था, इसे मैंने 3 लेयर में कट कर दिया है। अब यहाँ पे ही मैं जो आइसक्रीम बैटर था उसको मैं इस तरीके से लगा देंगे, 1 लेयर पे लगाया, अब दूसरी लेयर पे भी इसी तरीके से इसको फैला देंगे। अब यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शनल है, ऊपर से और स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हो, नहीं तो फिर सिर्फ लेयर्स लगा सकते हैं आइसक्रीम की।
अब इसे पूरा कवर कर देंगे आइसक्रीम से। अब इसको फ्रिज में रख देंगे रात भर और उसके ऊपर डेकोरेशन आपकी चॉइस का आप कर सकते हैं। लीजिए, रेडी हो गया है आइसक्रीम के। इस वैलेंटाइन डे पे आप जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना है। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें माधुरी ब्लॉग को, क्योंकि मैं और भी ऐसी नई नई इंस्टेंट रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ।